ओम गणेशाय नमः। आज हम षट तिला एकादशी का महात्म्य सुनेंगे और ये जानेंगे कि इस व्रत को किसने किया था और इसका फल क्या होता है और साथ ही इसकी कथा भी सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। ओम गणेशाय नमः। एक समय दाल भाई ऋषि जी ने पुलस्त ऋषि जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरों के धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि जो लोग करते हैं परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, सो क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं, यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बतलाता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। यह इन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि इस दिन मूल नक्षत्र तथा द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि में जागरण और हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी दान अच्छा होता है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उट्टन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षट तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। नारद जी बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षट तिला एकादशी का क्या पुण्य है और इसकी कथा क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी, वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह तक व्रती रही, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं दिया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु मिट्टी का पिंड देने के कारण उसे एक आत्मग्रह मिला परंतु अपने को वस्तु से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरे घर में वस्तुएं नहीं है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनोगी तब ही द्वार खोलना। भगवान के इस वचन को सुनकर वह अपने घर को गई और देवी स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी। तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षट तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने ता एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से कहा कि कहे अनुसार षट तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर अन्न धन से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को षट तिला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता का नाश होता है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।